आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 21 जून 2024 दिन है शुक्रवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फसलों की बड़ी एमएसपी पर सियासत शुरू, कमलनाथ बोले किसानों के साथ चल कर रही भाजपा। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है। इसे कमलनाथ ने किसानों के साथ चल बताया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि में पीएम के अन्नदाताओं को दी पहली गारंटी, पूर्ण होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों के जीवन में खुशहाली का नया अध्याय आरंभ होगा। बाल बाल बच्चे प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अपने ही काफिले के पायलट वाहन में घुसी उनकी गाड़ी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के वाहन का एक्सीडेंट हो गया। वाहन में मंत्री जी भी थे, वे सुरक्षित है। उनकी गाड़ी आगे चल रहे उनके काफिले की गाड़ी से जा भिड़ी। 51 लाख पौधे लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट, कांग्रेस बोली नए घोटाले की तैयारी। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने का अभियान चल रहा है। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए बजट भी आवंटित करने की घोषणा की है। अब कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के अन्य घोटालों की तरह ये इंदौर प्लांटेशन भी एक बड़ा घोटाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव, केन बेतवा परियोजना की भूमि पूजन के लिए किया अनुरोध। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में चल रहे सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में डिंडोरी जिले में विश्व सिकल सेल दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यादव ने बताया कि राज्य सरकार रक्त विकार की इस गंभीर बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी छात्रों के सहारे चमका रहे अपनी राजनीति, कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप। यूजीसी ने परीक्षा में धांधली के कुछ सबूत मिलने के बाद बुधवार को यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। वहीं विपक्ष ने इस मामले में एनटीए को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार और एजेंसी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बड़े ब्रांड की 20,000 नकली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद, फैक्ट्री सील। सनसनीखेज खुलासे, ग्वालियर पुलिस ने नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने के एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस अवैध फैक्ट्री में नामी गिरामी ब्रांड्स की कोल्ड ड्रिंक बरामद की गई। पुलिस ने नामी ब्रांड के रैपर्स भी बरामद किए हैं। केंद्र सरकार ने बढ़ाया 14 खरीफ की फसलों की एमएसपी। शिवराज ने कहा किसानों को मिलेगी गारंटी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा। इस निर्णय से किसानों को उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलेगी। 5 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज। सीधी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पानी पीने के दौरान स्टील के बर्तन में फंसा 5 वर्षीय बालक का सिर, वेल्डर ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद बचाई जान। बच्चे का सिर स्टील के बर्तन में फंसने के बाद सौजन उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे थे, लेकिन उसने डॉक्टर ने ऐसे में कुछ भी करने में असमर्थता जताई। इसके बाद गांव में एक वेल्डर से संपर्क किया गया। पहले तो वेल्डर ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने अपने कौशल का उपयोग कर बर्तन का एक हिस्सा काटकर बच्चे की जान बचा ली। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पुलिस से झड़प। रीवा में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन, वहीं डिप्टी सीएम का आवाज घेरने जा रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं, पुलिस के बीच झड़प हो गई। एनएसयूआई कार्यकर्ता भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसमें 5 कार्यकर्ता और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पीएम मोदी करेंगे मध्य प्रदेश में श्री अन्न संवर्धन योजना का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को योग दिवस भी है और हमारे सूर्य भगवान अपनी कक्षा भी बदलते हैं। ये दिन प्रकृति को समझने का एक अलग मौका देती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में श्री अन्न मिलेट्स उत्पादन संवर्धन अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को मिलेट्स की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। अभ्यारण्य में ऑप्टिकल फाइबर लगा लो, लेकिन हमें देना होगी वन अपराधियों की कॉल डिटेल। वन विभाग की बीएसएनएल के सामने शर्त, वन विभाग ने बीएसएनएल को रातापानी अभ्यारण्य में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने की अनुमति दे दी है, लेकिन वन विभाग ने यह शर्त भी रखी है कि बीएसएनएल को वन अपराधों के संबंध में कॉल डिटेल रिपोर्ट देना होगा। साथ ही बीएसएनएल को कुछ राशि मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के पास जमा कराना होगा। मध्य प्रदेश में 125 से घटकर 75 रह गए नक्सली, लगातार अभियान और घेराबंदी का दिखा असर। नक्सलियों के कमजोर पड़ने की वजह यह है कि पुलिस इनके कमांडर और अन्य पदाधिकारी को मारने या पकड़ने में सफल रही है, जिससे उनके नीचे के नक्सलियों की गतिविधियां ठंडी पड़ी है। घेराबंदी का नतीजा यह है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलने के बाद भी नक्सली मध्य प्रदेश की ओर नहीं आ पा रहे हैं। अमरवाड़ा में फिर होगा भाजपा कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन, कमलनाथ गुट ने संभाला मोर्चा। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इस सीट का कांग्रेस को गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां कांग्रेस को हार का स्वाद चखाया था। यहां कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने विधानसभा से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली थी।
24 जून तक दस्तक दे सकता है मॉनसून। भोपाल और जबलपुर में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक बौछारें पड़ने की संभावना है। खासकर भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, सागर संभाग के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तीन मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने के साथ ही हवाओं का रुख भी दक्षिणी बना हुआ है। सोने की कीमत 72,000 के पार, चांदी में आया जबरदस्त उछाल। सोने चांदी के दाम में तेजी आई है। अगर आप सोना खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको सोना 458 रुपए महंगा मिलने वाला है। सोने की कीमत 72,000 रुपए से पार निकल गई है। चांदी की कीमत में आज 1843 रुपए में तेजी आई है। पीएम मोदी डल झील के किनारे करेंगे योगा। जम्मू कश्मीर की झोली में आएगी 1500 करोड़ की योजनाएं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वे शुक्रवार 21 जून को कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए आम लोगों के लिए मार्ग को परिवर्तित किया गया है। प्रशासन ने इसकी एडवाइजरी भी जारी की है। संसद में उठाएंगे नीट मामला, राहुल का पीएम मोदी पर तंज। कहा, युद्ध रुकवाने वाले पेपर लीक नहीं रोक पाए। नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे ने विपक्ष को बैठे बिठाए एनडीए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने सक्रियता दिखाते हुए नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स के मुद्दे को सुलझाकर छात्रों से शांत रहने की अपील की है। बिहार और गुजरात में पेपर लीक के मामले में जांच की बात कही गई। गोविंद सिंह का भाजपा पर आरोप, झूठे प्रकरण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करवा रही सरकार। कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण भाजपा सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरणों में फंसाकर प्रताड़ित करवा रही है। 30 जून को होगी एमबीपीएससी की राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा। जारी हुई गाइडलाइन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 जून को होने वाली राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के 10 जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें 2 सत्रों में परीक्षा होगी। उम्मीदवार भी इसके लिए जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में धीरेन्द्र शाह ने किया नामांकन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष सहित जिले भर के कांग्रेसी नेताओं का जमघट आज अमरवाड़ा में है। रैली में पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुल नाथ शामिल नहीं हुए। रैली में नाथ परिवार के शामिल नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को एससी ने फिर माना गंभीर, लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं। जानिए आगे क्या होगा नीट यूजी परीक्षा में धांधली। केंद्र की मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। विपक्ष तो राजनीति कर ही रही है। नीतीश सरकार को झटका, पटना हाई कोर्ट ने रद्द की आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का फैसला। 21 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में संविधान संशोधन पारित हुआ था। इसके साथ ही मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया था। इस साल 11 मार्च को सुनवाई पूरी करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने आरक्षण कानून में किए गए संशोधन को खारिज कर दिया। आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म महाराज का उज्जैन में विरोध। 150 साल पुराने कोर्ट केस पर बनी है उज्जैन में महाराज फिल्म का विरोध कर लोगों ने आरोप लगाया कि इसमें हिंदू धर्म गुरुओं को खलनायक की तरह बताया गया है। 150 साल पहले अंग्रेजों के शासनकाल में चले कोर्ट केस की कहानी पर महाराज फिल्म को बनाया गया है। पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर ये रिलीज हुई तो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहें। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।